If 1 gram of carbon contains x atoms, what will be the number of atoms in 1 gram of magnesium? Okay. So, किसी को अगर आइडिया है कोई डायरेक्ट आंसर देना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू? ओके, किसी किसी ने आंसर दिया है? हिमांशु गोरावत ट्वाइस एक्स बोल रहा है, अद्विका ट्वाइस एक्स, हेतल ने एक्स एटॉम्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें मूल कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का अगर सॉल्यूशन का बात करें हम लोग, जस्ट वेट, क्वेश्चन है इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स एक्स एटॉम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटॉम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटॉम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम? सो आई कैन राइट व्हाट, आप साथ में नोट डाउन कर सकते हो। गिवन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी 1 ग्राम ऑफ कैल्सियम मैग्नीशियम कैल्सियम नहीं कार्बन 1 ग्राम ऑफ कार्बन, अलग बोर्ड यूज करने के लिए मुझे अलग अलग जगह जाना पड़ रहा है, सो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन, इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स एक्स एटॉम्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स एक्स एटॉम्स, देयरफॉर वी कैन राइट 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 12 एक्स एटॉम्स, 12 एक्स एटॉम्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बन में अगर एक्स एटॉम्स है तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 12 एक्स एटॉम्स होगा, देयरफॉर वी कैन राइट 1 मोल ऑफ कार्बन contains 12 x atoms. 1 मोल ऑफ कार्बन ऑल्सो कंटेन्स 12 x atoms. और आप लोग ये जानते हो कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में नंबर ऑफ एटॉम्स तो फिक्स होता है, दैट इज 6.022 × 10⁻³। सो 1 मोल ऑफ कार्बन में अगर 12 x atom है, सो वी कैन राइट what? 1 mole of magnesium, 1 mole of magnesium contains 12 x atoms. 1 mole ऑफ मैग्नीशियम में भी 12 x atoms ही होगा। अगर 1 mole ऑफ कार्बन में 12 x atom है तो 1 mole ऑफ मैग्नीशियम में भी कितना होगा? 12 x atom. Therefore, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स 12 x atoms. ये कैसे लिख रहा हूं मैं? 1 mole ऑफ मैग्नीशियम 12 x, so 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो कंटेन्स 12 x, बिकॉज 1 mole ऑफ मैग्नीशियम यानी 24 ग्राम। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है 1 ग्राम के लिए, देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स क्या लिखेंगे हम लोग? 12x by 24 atoms, 12x by 24 atoms, दैट इज 1/2 x atoms, या फिर हम लोग लिख सकते हैं x/2 atoms। तो इसका आंसर जो है x/2 atoms. Have you understood this part? 1 mole of magnesium 12x कैसे हुआ? अद्विका ने पूछा है 1 mole of magnesium, 1 mole of any substance contains the same number of atoms. 1 mole of any substance contains the same number of atoms. तो अगर 1 mole of carbon में 12x atom होगा तो 1 mole of magnesium में भी 12x ही होगा. 1 mole of magnesium में क्या होगा? 12x. Have you understood? कैसा था क्वेश्चन?
ओके नेक्स्ट वन अनदर क्वेश्चन. इसमें हम लोग कार्बन और मैग्नीशियम का बात किए. कार्बन और मैग्नीशियम दोनों ही एलिमेंट है और इनका एटॉम्स के बारे में बात हो रहा है. अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे एंड सिमिलर क्वेश्चन अबाउट मॉलिक्यूल्स विल डिस्कस. सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाओ एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. You can take the screenshot of this particular question. Okay, I'm moving to another question. Second question you can write. Question number 2 for today's class. Just note down the question. I will give similar question. If 1 gram of sulfur dioxide contains, sulfur dioxide is SO2. If 1 gram of sulfur dioxide contains X molecules, if 1 gram of sulfur dioxide contains X molecules, what will be the number of molecules? What will be the number of molecules in? What will be the number of molecules in 1 gram of methane? Methane का formula है CH4. वैसा ही question है but this time molecular concept. So इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले molecular mass calculate करना होगा, specially gram molecular mass. So if you look at the solution here, आपको find out करना है gram molecular mass. Okay? तो पहले हम लोग find out करते हैं gram molecular mass of sulfur dioxide. तो आपको atomic mass भी जानना होगा. sulfur का atomic mass कितना है? sulfur का atomic mass है 32, oxygen का atomic mass है 16. So if I ask you, sulfur dioxide का molecular mass क्या है? Okay, अद्विका ने आंसर दिया. It is 64, not 80. 64 ग्राम आप कैलकुलेट करना, ये 64 आएगा. एंड सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए? गुड, हेतल ने आंसर दिया 16 ग्राम और आंसर दिया बहुतों ने. अब मैं वही पैटर्न यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए जो पहले किया. मैं क्या करूंगा, 1 मोल में आई विल फाइंड कितना X मॉलिक्यूल्स है. 1 मोल में 1 ग्राम में दिया हुआ आपको, 1 मोल में कितना X होगा? फिर 1 मोल ऑफ ऑल द सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो उस कॉन्सेप्ट से जाएंगे. तो गिवन क्या हम लोग के पास, गिवन इज व्हाट, 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स. Contains what? X molecules. Therefore, कितना में find out करेंगे हम लोग? Sulfur dioxide का molecular mass है 64 gram. Therefore, 64 gram of sulfur dioxide contains, we can write 64 X molecules. 64 X molecules. अगर 64 में मैंने find out किया वो तो उसका gram molecular mass है. Gram molecular mass is equals to 1 mole. So we can write 1 mole. Of sulfur dioxide contains 64 X molecules. अब हम लोग को पता है कि 1 mole of all the substance contains the same number of molecules. So we can write, so 1 mole of methane
कंटेन्स, वन मोल ऑफ मिथेन कंटेन्स कितना, 64x मॉलिक्यूल्स, 64x मॉलिक्यूल्स, वन मोल ऑफ मिथेन में भी 64x होगा। अब वन मोल ऑफ मिथेन में कितना ग्राम होता है, एनी वन ऑफ यू, वन मोल ऑफ मिथेन कितना ग्राम, वन मोल ऑफ मिथेन इज 16 ग्राम, तो आई कैन राइट व्हाट, 16 ग्राम ऑफ मिथेन कंटेन्स 64x मॉलिक्यूल्स, 64x मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग को फाइंड आउट कितना में करना, 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ मिथेन कंटेन्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 64x डिवाइडेड बाय 16 मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 4x मॉलिक्यूल्स, दिस इज इक्वल्स टू 4x मॉलिक्यूल्स। Have you understood the pattern? सबको समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया सबको? ओके, सो आज जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा अलग तरीका से सोचना होगा आपको, डायरेक्ट आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग तरीका से यूज करना होगा। यू जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, आप स्क्रीन शॉट ले लो इसका, okay, so I'm moving to another question. Question number 3 for today's class. आराम से समझना आज का क्लास में, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं मटेरियल में पेज नंबर 12 में है ऑलरेडी, क्वेश्चंस आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स of neon, how many grams of neon will have the same number of atoms, will have the same number of atoms will have the same number of atoms as 4 grams of कैल्सियम, 20, कैल्सियम का एटॉमिक मास 40। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स एज 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम, कितना ग्राम नियॉन में उतना ही एटॉम्स होगा जितना 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम में होता है। ओके, सो क्वेश्चन के बारे में सोचो और मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स एज 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम, ठीक है? सो वी नो व्हाट, इसका अगर सॉल्यूशन देखे, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वी नो दैट 40 ग्राम ऑफ कैल्सियम, 40 ग्राम ऑफ कैल्सियम कंटेन्स, 40 ग्राम ऑफ कैल्सियम कंटेन्स 6.022 × 10²³ एटॉम्स, 40 ग्राम ऑफ कैल्सियम कंटेन्स 6.022 × 10²³ एटॉम्स, देयरफॉर 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम कंटेन्स, इट विल बी 6.022 × 10²³ डिवाइडेड बाय 40 × 4, सो इट विल बी 10, इट विल बी 6.022 × 10²² एटॉम्स।
40 ग्राम ऑफ कैल्सियम में 6.022 × 10²³ एटॉम्स, तो 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम में 6.022 × 10²² एटॉम्स। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम में जितना एटॉम्स है, कितना ग्राम ऑफ नियॉन में उतना ही एटॉम्स होगा। नाउ नियॉन का एटॉमिक मास पता है आप लोगों को कितना, 20, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 6.022 × 10²³ एटॉम्स ऑफ नियॉन आर प्रेजेंट इन कितना ग्राम ऑफ नियॉन, कोई बता सकता है? 6.022 × 10²³ एटॉम्स ऑफ नियॉन कितना ग्राम ऑफ नियॉन में होगा? गुड, 20 ग्राम। मेजोरिटी का आंसर करेक्ट है। कितना ग्राम ऑफ नियॉन में होगा? 20 ग्राम ऑफ नियॉन, 20 ग्राम ऑफ नियॉन। तो हमको कैलकुलेट करना है इस नंबर ऑफ एटॉम्स के लिए, क्योंकि इतना एटॉम्स 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम में होता है। देयरफॉर 6.022 × 10²² एटॉम्स ऑफ नियॉन आर प्रेजेंट इन 20 × 6.022 × 10²² × 6.022 × 10²² ओके, ग्राम ऑफ नियॉन, ग्राम ऑफ नियॉन। सो ये अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, इधर 10², 22, 23, तो यहाँ 10, इधर 2, सो 2 ग्राम ऑफ नियॉन, 2 ग्राम ऑफ नियॉन। तो आपको क्वेश्चन में क्या, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स एज 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स, तो आंसर क्या होगा? सो वी कैन राइट व्हाट, 2 ग्राम ऑफ नियॉन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स, विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स एज देयर आर एटॉम्स इन, एज देयर आर एटॉम्स इन 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम, 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्या करना है इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा शायद, इतना इजी नहीं है कॉन्सेप्ट, एक बार किया हुआ रहने से ही आपको इजी लगेगा। एक बार मैंने दिखा दिया आप लोगों को हाउ टू सॉल्व इट, इसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप मोल से भी कर सकते हो इसको, मोल कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। तो एटॉम के बारे में पूछा इसलिए मैंने एटॉम से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया, और कैलकुलेशन इजी होगा मुझे पता था, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम में कितना एटॉम, कितना मोल है कैलकुलेट कर लो, और उतना ही मोल कितना ग्राम ऑफ नियॉन में होगा, तो एटॉम्स का नंबर ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, आप लोग कोशिश करना, आप एटॉम्स के जगह पे अगर मोल्स निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हो, 4 ग्राम ऑफ कैल्सियम में यू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसके बाद कितना ग्राम ऑफ नियॉन में सेम नंबर ऑफ मोल्स होगा वो फाइंड आउट कर लो, और उससे आपको सेम आंसर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में उतना टेंशन नहीं, डायरेक्टली एटॉम्स हो गया, इसीलिए ये मेथड भी आपको कंफर्टेबल ही लगेगा। आई एम मूविंग टू अनदर सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन इस बार मैं ऐसा ही क्वेश्चन मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस करूंगा, सो यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड रेज द हैंड। Okay, I'm moving to another question. Question number 4 for today's class.
इसको मैं मोल वाला कॉन्सेप्ट से करके दिखाऊंगा आपको, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या होता है? O2। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी O2 कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसमें आप ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है कितना? 16, सल्फर का एटॉमिक मास 32। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इस बार मैं मोल से करूंगा इसका सॉल्यूशन। सो वी नो व्हाट, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड का आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछूं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं लेकिन आपको अच्छा से ये कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ओके, सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये होता है 64 ग्राम। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस ये है 32 ग्राम, ये 32 ग्राम। सो सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं, पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन करके, एंड देन वी विल राइट व्हाट, 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देयरफॉर 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल्स टू कितना मोल होगा? 1/64, 1/64 इंटू 16, दैट इज 0.25 या 1/4, यहां लिख सकते हैं हम लोग 0.25 मोल्स, 0.25 मोल्स। 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितना मोल? 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में 0.25 मोल्स होता है, ठीक है। नाउ अब हमको ये जानना है कि कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यानी सेम नंबर ऑफ मोल्स होता है, सेम नंबर ऑफ मोल्स जानना हमको कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। सो हम लोग को ऑलरेडी पता है ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना, 32। सो वी कैन राइट हियर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा उल्टा लिखा मैंने यहाँ पे, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, मोल्स, ग्राम फाइंड आउट करना, तो मोल्स को हम लोग लेफ्ट में रखते हैं। सो नाउ 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, इक्वल्स टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। देयरफॉर 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू 0.25 इंटू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये होगा कितना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, सो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस
will have the same number of molecules, same number of molecules as, so 8 gram of oxygen gas will have the same number of molecules as kitna 16 gram of sulfur dioxide, 16 gram of sulfur dioxide. So आप उसी सम को पहले जो किया था उसको भी आप इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो. दिमाग लगाना मैंने क्या किया है. 16 ग्राम में जितना मोल होगा उतना ही मोल जितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में होगा. तो मोल अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा. 16 ग्राम में 0.25 मोल्स होता है और 0.8 ग्राम में भी 0.25 मोल्स होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होने से मॉलिक्यूल सेम ही होगा. This is the concept in this particular numerical. So आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और उसको समझने का कोशिश करो आप. Have you understood the solution of this particular question? समझ में आ रहा सबको? किसी ने आंसर अलग अलग दिया था यहाँ. Now have you understood this particular solution, all of you? Moving to another question. Another important question. Okay. Next question, ask a question number 5, I think. Question number 5 of today's class. The atomic mass of single atom. The atomic mass of single atom or one atom, hum log bol sakte hain. The atomic mass of single atom of an element X is 2.65 × 10⁻²⁷ ग्राम. एक एटॉम का मास, सिंगल एटॉम मतलब ये एक एटॉम का एब्सोल्यूट मास है. आपको पूछा व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास. अगर आपको एटॉमिक मास सिंपली पूछा तो इसका मतलब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो हम लोग यू में एक्सप्रेस करते हैं. और आपको फिर क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट. एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी करना आपको. सो एटॉमिक मास ऑफ सिंगल एटॉम, एक एटॉम का मास आपको बता दिया है. कितना एटॉम का मास एटॉमिक मास के इक्वल होगा? आपको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटॉम्स कितना होता है, 6.022 × 10⁻². सो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देखें, देखना पैटर्न देखना, गिवन है, व्हाट इज गिवन,
द मास ऑफ वन एटॉम ऑफ एलिमेंट एक्स, द मास ऑफ वन एटॉम ऑफ एलिमेंट एक्स इज गिवन हियर 2.65 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम. Therefore, the mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms निकाल लेते हैं हम लोग. वही क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा, फिर इसको यू में लिखने से रिलेटिव एटॉमिक मास होगा. तो द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atoms ऑफ एलिमेंट x विल बी 6.022 into 10 to the power 23 into 2.65 into 10 to the power -23 ग्राम. तो यहां पे 10 to the power -23 और +23 तो कैंसिल हो गया. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आ रहा आंसर. एटॉमिक मास से एलिमेंट का नाम आइडेंटिफाई हो जाएगा. हेतल आपको अगर एटॉमिक मास पता चल गया तो आप एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. जस्ट मल्टीप्लाई दैट, क्या रिजल्ट आता देखो. ओके, यू आर गेटिंग 15.95 समथिंग ना, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 15.95 ग्राम. ओके, सो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट व्हाट, सो एटॉमिक मास of the element, atomic mass यानी relative atomic mass है. Relative the atomic mass of element x, the atomic mass of element x पता चल गया हम लोग को कितना, 16 ग्राम अप्रोक्स, या 16 u ज्यादा proper होगा, ग्राम नहीं लिखना है, atomic mass लिख रहे हम लोग. So it will be 16. Just wait. Actually, मैंने बोर्ड चेंज किया है तो मुझे दो तरफ ध्यान देना पड़ता है, जूम वाला बोर्ड का आदत है. सो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कहीं कहीं पे. सो द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स विल बी व्हाट, 16 यू अप्रोक्स. अप्रोक्स में कितना आएगा, 16 यू. तो अगर ये 16 यू आएगा तो एलिमेंट कौन सा, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. कैन यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, 16 यू अगर आता है, व्हिच एलिमेंट इट इज, ऑक्सीजन. गुड, ये एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन. सो द नेम ऑफ द एलिमेंट इज ऑक्सीजन. सो द नेम ऑफ द एलिमेंट इज ऑक्सीजन. हैव यू अंडरस्टूड, पैटर्न समझ में आया. एक एटॉम का मास गिवन है, आप 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम्स का मास कैलकुलेट कर लो. तो वो एटॉम का मास ग्राम एटॉमिक मास होता है. ग्राम एटॉमिक मास को यू में लिखने से रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया. वो पता चलने से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एलिमेंट. यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल मूव टू अनदर क्वेश्चन. इससे पैटर्न का होगा वो क्वेश्चन भी. I'm moving to another question. Question number 6 of today's class. अभी जो सॉल्व किया है उसी का पैटर्न होगा. आप लोग थोड़ा दिमाग यूज करना. The absolute mass The absolute mass of one molecule of a substance is 5.32
इंटू 10^-23 ग्राम. द एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज 5.32 × 10^-23 ग्राम. What is its molecular mass? What is its molecular mass? ये question है. And identify the substance. Identify the substance. You'll have to identify the substance. सो एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का मास गिवन है आपको. मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो कितना मॉलिक्यूल का मास निकालना है आपको? 6.02 × 10^23. तो आप सॉल्व कैसे करोगे इसको? गिवन द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. The mass of one molecule of the substance कितना? 5.32 × 10^-23 ग्राम. Therefore, the mass of कितना? कितना का मास निकाला? Therefore, the mass of 6.022 × 10^23 molecules of the substance. तो आपको क्या करना? मल्टीप्लाई करना है. 6.022 × 10^23 × 5.32 × 10^-23 ग्राम. सो ये कैंसिल मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 32.037 अप्रोक्स. और किसी का मल्टीप्लीकेशन करना? 6.022 × 5.32 मल्टीप्लाई करके बताओ. तो 32.0 समथिंग आ रहा है. तो अप्रोक्स में हम लोग ले सकते हैं 32 ग्राम अप्रोक्स. ठीक है, 32 ग्राम अप्रोक्स. अब ये मॉलिक्यूल का बात है, किस मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 U होगा? मॉलिक्यूल का पूछा रिचा कश्यप. मॉलिक्यूल सल्फर एलिमेंट, एस इज एलिमेंट. ओके, हम लोग मॉलिक्यूल का पूछा. सल्फर मॉलिक्यूल होता है S8 होने से तो बहुत हो जाएगा. ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बात है. मॉलिक्यूल होने से कौन सा मॉलिक्यूल? दिस वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो 32 ग्राम, तो यहां पर आप लिख सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास of the substance is 32 U. So the substance is oxygen gas. Substance is oxygen gas. Have you understood? सबको समझ में आ गया होगा. अब आपको कुछ क्वेश्चन कंपटीशन के जैसे दिया जाएगा. आपको कंपटीशन के जैसे लेना है उनको और खुद को सॉल्व करके मुझे आंसर बताना होगा. ओके, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन. स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो आप. Okay, so moving to another question. अब क्या कॉन्सेप्ट यूज करना यू डिसाइड योरसेल्फ.
Just give me the answer of this particular question. Question है, calculate the number of moles. In 100 gram of argon और argon का atomic mass 40. Question है calculate the number of moles in 100 gram of argon. कौन आंसर देगा? Calculate the number of moles in 100 grams of argon. Okay, Dhruvlunia, Hetal, Aryan, Jasparik, okay, Vansika, Richa Kashyap, your answer is wrong. Shreya D, your answer is also wrong. Advika, your answer is wrong. आपको number of moles निकालना है, तो atomic mass 40 दे दिया, तो we can write directly 40 gram of argon equals to 1 mole of argon. 40 gram of argon equals to 1 mole of argon. Therefore, 100 gram of argon is equals to 1 by 40 into 100 moles of argon. So it will be 2.5 moles. सबको समझ में आ गया? Easy था question, लेकिन wrong answer भी आया इधर. 2.5 moles. Now next question. Next question. Calculate the mass of, just wait, ठीक है, calculate the mass of, calculate the mass of 0.8 moles of sulfur atoms. Sulfur atoms mention कर दिया यहाँ पे. S equals to 32 होते हैं. This is the question. Anyone? Calculate the mass of 0.8 moles of sulfur. Okay. Correct answer मिल रहा है, बहुत लोगों का मिला है. आर्यन, हिमांशु, हितल, माही, कीर्ति, श्रेया. 25.6 ग्राम आएगा आंसर. 25.6 ग्राम. बिकॉज वी नो दैट 1 mole ऑफ सल्फर, 1 mole ऑफ सल्फर इक्वल्स टू 32 ग्राम. देयरफॉर कितना मोल? 0.8 moles. 0.8 moles of sulfur. 0.8 moles of sulfur. 0.8 into 32 gram. And kitna answer aa raha dekh lo aapka, 25.6 gram should be the answer. Okay.